subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी में अफगान का सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई ग्यासुद्दीन गौरी जो उस समय सुल्तान था भारत के उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी इसी कबीले का शासक था। महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। 1178 ईस्वी के गुजरात आक्रमण के समय वहीं के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बंदी बना लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया। उस समय दिल्ली पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयां हुईं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जिसमें गौरी की पराजय हुई। उसके बाद हुई तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया। उसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया।